हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पीएच मान बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछता है, मतलब एक दो नंबर में पूछता ही है, चाहे वो क्लास टेंथ हो या ट्वेल्थ में हो। तो इसलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। तो कई मैं उठाया हूँ, ट्रिक वाइज बताऊँगा, ट्रिक से बताऊँगा, और इसको लास्ट तक आपको देखना है। यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो 100% श्योर कहता हूँ आपको रटना नहीं, समझना पड़ेगा। एक दो है ऐसा जो रटना पड़ेगा, समझ लो, एक प्रकार से मैं समझाऊंगा जहाँ तक प्रयास रहेगा मेरा। और यदि आप क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की जबरदस्त तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू जो होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। एक बात ध्यान रखना, जब भी एक गिलास पे, समझ लेना, दो नींबू जानाया जा रहा है। कितना? दो नींबू। बिना दो नींबू के एक गिलास में अच्छा नहीं लगेगा उतना, ठीक है ना? तो इसीलिए दो गिलास है, और कितना नींबू डाल दे रहे हैं? 24 डाल दे रहे हैं, सॉरी 4 डाल दे रहे हैं ना। यही चीज़ आपको टारगेट करके चलना है, कि समझ लो, अगर नींबू आ गया, दो गिलास है और 4 नींबू है, इसी प्रकार से तब मैं बनाऊँगा तो हम पियेंगे। ये क्लियर हुआ ना? ऐसे पॉइंट और दिए रहेंगे तो आपको सेलेक्ट करके ये लिखना पड़ेगा आपका, ठीक है ना? अब आता है रक्त का पीएच मान, 7.4 होता है। कहते नहीं है बहुत लोग कि तुम रक्त के यहाँ शुरू हो गए, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग गांव में। तो वही चीज़ है, रक्त रक्त जो होता है वो 7. कितना होता है? 4 होता है। अब देखिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 दिन रात को मिलाकर, अब 24 दूने 72, 72 में दो जोड़ लो, 74 हो गया, ठीक है ना? ये मान के चलना है। देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है? अच्छे बताओ, जल का तुम्हें कितना उपयोग करते हो? 24 घंटा, यानी कि 7 दिन ये उपयोग करते हो, करते हो ना? जल का तुम कितने दिन उपयोग करते हो? 7 दिन, यानी कि पूरे हफ्ते, हमेशा हर हफ्ते उपयोग करते हो ना। तो यहाँ इसलिए जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना? जल का पीएच मान 7 होगा। क्यों? क्योंकि जल हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं। ये ट्रिक है, समझ लो प्रकार से, ठीक है ना? अगला है, देखते हैं, 3 क्लियर हो गया होगा आपका। नमक का पीएच मान, अच्छा बताओ, दाल चावल और सब्जी पनीर, अदरवाइज जितने भी सब्जी दाल बनते हैं, जितने भी टाइप के, सब में उपयोग होता है कि नहीं उपयोग होता है? नमक जो है सब जगह है, यानी कि 7 जगह उपयोग होता है, मतलब सभी जगह उपयोग होता है। नमक का भी सभी जगह उपयोग होता है। क्लियर, समझ में आया ना? अब देखिए, आंसू का पीएच मान, अच्छे बताओ, रक्त का भी जस्ट मैंने बताया था कितना होता था, 7.4 होता था। तो लोग कैसे कहते हैं कि तुम रक्त के आंसू रहोगे, ऐसा दिन आएगा, तो यानी कि रक्त और आंसू दोनों क्या है? बराबर 7.4 इसका भी होगा और उसका भी था। समझ में आया कैसे ना? देखिए, फिर से देखिए, रक्त का भी आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि एक दिन में, देखिए ट्रिक कहीं बनकर नहीं आता, अपने आप से खुद बनाया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे रक्त और आंसू कहते नहीं लोग, रक्त के आंसू रहोगे, तो इसीलिए कहता हूँ मैं कि रक्त और आंसू के एक दोनों से रिलेटेड है। तो यानी कि 7.4 इसका भी है और उसका भी क्या है? 7.4 है। क्लियर हुआ ना? और नींबू का, जल का, नमक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूध का पीएच मान। देखिए, दूध जो है लगभग, जगह मैं बता दूँ, 32 रुपये लीटर है। कितने रुपये लीटर है? 32 रुपये। यानी कि 32 का अगर 2 गुना करेंगे तो 64 होता है, यानी कि 64 का क्या लिख देंगे? 6.4। समझ लेना, मेरे यहाँ, मेरे घर पे कितना लीटर दूध आता है? 2 लीटर दूध आता है। कहीं कहीं सब जगह अलग अलग है, तो आपके यहाँ 64 रुपये क्या है ये आप अपने हिसाब से करके टारगेट बना के चलना है। बोल देना 64 रुपये, 32 रुपये लीटर है, 32 का 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। इसलिए मैं क्या लिखा यहाँ पर, लिया हूँ 6.4 लिया हूँ। दूध का पीएच मान कितना लिया हूँ? 6.4। अगला है शराब। शराब का पीएच मान, शराब कितने लोग अक्सर, देखिए शराब को अकेले कोई अक्सर नहीं पीता, जहाँ तक चांसेस है, यानी कि 2 लोग जरूर रहते हैं और वो रात में पीते हैं। रात में कितने बजे पीते हैं? 8 बजे पीते हैं। समझ में आया ना? शराब का पीएच मान कितना होता है? अगर ऐसे आ गया तो बोल देना कि 2 लोग रहते हैं और 8 बजे रात में पीते हैं। समझ में आया ना? 2.8 शराब का पीएच मान कितना हो जाता है? 2.8। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है सिरके, क्या है सिरके? सिरके का पीएच मान, देखिए इसको मान लेते हैं एक पद, रा को एक मान लेते हैं और का को एक, तो मतलब 1, 2, 3 कितना हो गया? 3। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 ही होता है, ठीक है ना? इस तरह शराब का 2 लोग पीते हैं 8 बजे रात को, दूध का 32 रुपये लीटर है, 64 रुपये हुआ, आंसू का
और रक्त का एक है, नमक हमें 7 दिन प्रयोग किया जाता है, जल भी हमें 7 दिन प्रयोग होता है। अगला है जो चाय का पीएच मान कितना होता है। चाय होता है अक्सर लोग देखते होंगे 5 रुपए गिलास, कितने रुपए गिलास, 5 रुपए गिलास का पीते हो सुबह 5 बजे, 5 रुपए गिलास है, 5 बजे मॉर्निंग में पीता हूँ। यही चीज़ आपको टारगेट बनाकर चलना है कि चाय 5 रुपए गिलास है, 5 लोग हम सब पीते हैं। तो बस मुझे उम्मीद है पीएच मान बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का सलाह लगाई लाइक शेयर कमेंट करके जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।